किस्सा कुर्सिका में एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। और मैं आपको बता दूं कि इस समय हम सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में हैं और कैसी सरकार लोगों को चाहिए 2017 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसके लिए पहले हम एक गीत सुनते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, फिर जनता से बात करेंगे और नेताओं से जवाब लेंगे। तो सुनते हैं भाई, कैसी सरकार चाहिए बताइए आप। अरे हम तो चाहिए ऐसा सरकार, गुंडागर्दी ना हो, भ्रष्टाचार। बोले यूपी हमारे सुन भाई, सीएम ऐसन लाई। बोले यूपी हमारे सुन भाई, सीएम ऐसन लाई। हम तो चाहिला ऐसन सरकार, गुंडागर्दी ना हो, भ्रष्टाचार। बोले यूपी हमारे सुन भाई, सीएम ऐसन लाई। बोले यूपी हमारे सुन भाई, सीएम ऐसन लाई। अरे प्रदेश बाबे हाल देखी बढ़ल महंगाई, प्रदेश बाबे हाल देखी बढ़ल महंगाई। खत्म बेरोजगारी हो बोले युवा भाई, खत्म बेरोजगारी बोले हो युवा भाई। बढ़ल जाता नशा का व्यापार, बढ़ल जाता नशा का व्यापार। खत्म हो जाए ई व्यापार, बोले यूपी हमारे सुन भाई, सीएम ऐसन लाई। बोले यूपी हमारे सुन भाई, सीएम ऐसन लाई। सभी दर्शकों ने सुना कि भाई आखिर कैसा सीएम चाहिए जिसके राज्य में भ्रष्टाचार ना हो, जिसके राज्य में जनता और युवाओं को रोजगार मिले। चलेंगे पहले जनता के पास और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कुशवाहा जी ने जो जो वादे किए कितना पूरा हुआ। ना हाथ उठाइए भाई, कौन सवाल पूछेगा। सोनभद्र सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन का केंद्र है, लेकिन आज भी चिराग तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं विधायक जी से इतना जानना चाहता हूँ कि क्या सोनभद्र बिजली पाने का हकदार नहीं है, और यदि हकदार है तो क्यों सोनभद्र की उत्पादित विद्युत से इटावा, मैनपुरी और आजमगढ़, कन्नौज प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन सोनभद्र आधे घंटा बिजली मिलती है आपको? मुश्किल से 8 से 10 घंटे बिजली प्रॉपर मिल रही है, और जिस प्रकार की स्थिति है आम आदमी जीने की स्थिति से भी ऊब चुका है कि भाई कहाँ चला जाए। भाई विधायक जी, आप जिला अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, युवा भी हैं, अब ये बताइए बिजली पैदा कर रहा है सोनभद्र, चला जा रहा है इटावा, ये कौन जवाब भाई? ये तो नहीं होना चाहिए। अभी जो सवाल आया जनता की तरफ से, वो हमारे बीच में जो बैठे हैं सवाल कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे प्रवक्ता और नेता भी हैं, वो पूछ रहे थे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये लोग गुमराह कर रहे हैं बिजली के मुद्दे पे कि जनपद सोनभद्र सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है, बात सच है। एनटीपीसी जो सर्वाधिक बिजली बनाता है यहाँ पे, और आप यह जान रहे हैं कि शक्तिनगर में स्थापित है, बीजपुर में स्थापित है, वो केंद्र की इकाई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार भी है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी यहाँ पे हैं। चुनाव से पहले ये लोग केवल झूठा वादा करते थे 24 घंटे बिजली देने का, जो ये लोग दे नहीं रहे। आज जब बारी आ गई, फैक्ट्री आपकी भी है, आप ही की फैक्ट्री है केंद्र सरकार की, और आप ही के सांसद हैं। बगल के पड़ोसी जनपद से चंदौली के आपके गृहमंत्री हैं, और उसके और बगल के ही जनपद वाराणसी से आपके प्रधानमंत्री जी हैं, और आपकी ये विद्युत उत्पादन की इकाई है, और आप आरोप हमारे ऊपर मने, जबकि हम लोग अपने सीमित संसाधनों से। मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त प्रदेश में विद्युत बढ़ोतरी के दिशा में लगातार काम किए गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने अनपरा बीवी नई इकाई का उत्पादन चालू करा दिया है। विद्युत के उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे यह विद्युत गांव वालों को मिल सके, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा काम नहीं किया। और कहना चाहते हैं कि आप ही काम कर रहे हैं भाई। मेरा सीधा सवाल यह है कि भाई इनका मान लीजिए, चलिए केंद्र सरकार के अंतर्गत है एनटीपीसी में, मान गया, लेकिन भाई वो तो आपको रोज चिट्ठी लिखते कहते बिजली खरीदिए, आप खरीदते क्यों नहीं है? कितना जाने कितनी बार ये सवाल आया, 50 बार सवाल आया। बिल्कुल बता रहा हूँ, खरीदी भी जा रही है। आपको पता था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2014 में, जो केंद्र का कोटा होता है उत्तर प्रदेश को बिजली देने का, सेम डे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आते ही वो काट दिया गया। आपको पता होगा पूरे भाई देखिए, जनता के साथ अन्याय है। एकदम विधायक जी विषय को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। हमारे
ऊर्जा मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि आपको जितनी मात्रा में बिजली चाहिए, जितनी मात्रा में उत्पादन करने के लिए कोयला चाहिए, भारत सरकार पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद आज आजमगढ़ को बिजली मिल रही है, इटावा को बिजली मिल रही है, मैनपुरी को बिजली मिल रही है, सैफई को बिजली मिल रही है, लखनऊ में बिजली मिल रही है, मगर दुर्भाग्य जनपद सोनभद्र वासियों का है कि जनपद सोनभद्र में बिजली पैदा हो रही है, नहीं मिल रही है। रमेश देव जी एक सेकंड, ठीक है भाई, ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, ये कह रहे हैं हमने नहीं किया, आप बताइए क्या कांग्रेस तो भाई अभी नहीं है यहाँ कई सालों से। देखिए यहाँ जो कुछ भी हुआ है, अगर सोनभद्र की बात आप कर रहे हैं तो वो कांग्रेस ने ही किया है। जितने भी विद्युत कारखाने आपने एनटीपीसी, चाहे आप बीजपुर, शक्तिनगर और अनपरा में उत्तर प्रदेश विद्युत इकाई जो है इसने लॉन्च किया, और आपके ओबरा में जो है यूपीएससीबी का जो है हुआ, वो ठीक है। ये दोनों लोग जो कह रहे हैं भाई, इनका कहना है कि भाई केंद्र सरकार नहीं दे रही, इनका कहना है कि हम चिट्ठी रोज ही लिख रहे हैं, दोनों बहानेबाजी कर रहे हैं। मामला ये है कि बिजली देने का काम प्रदेश सरकार का होता है, केंद्र सरकार का विषय दूसरा है, प्रदेश सरकार का दूसरा है। ऐसी स्थिति में विद्युत देने का यह व्यवस्था प्रदेश सरकार की है, तो ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और ये दोनों सरकारें अब जनता के निगाह से गिर चुकी है। एक सेकंड, जनता के पास चलते हैं, एक सेकंड, हाँ बताइए भाई, एक जनता आम आदमी बताइए भाई कौन है इसमें, जो वाकई जिसकी जनता कोई पार्टी से नहीं, जनता आदमी बताइए, बोलिए सर, बताइए आपका सवाल बताइए क्या बोलिए। अरे भाई बिजली है, पानी है, सड़क है, पढ़ाई है, खनन है, बिजली तो है ही नहीं है, बिजली है ही नहीं यहाँ पर जो है ना, और जो भी मिलता है वो इररेगुलर है। अच्छा, और शासन तो घोषणा कर रहा है कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, 12 घंटा दे रहे हैं, 16 घंटा दे रहे हैं, बात सही है, लेकिन घोषणा वाली बात सही है, सही है, लेकिन कार्यक्रम का उसको लागू नहीं किया जा रहा है, ये बिजली विभाग की बदमाशी है, सारे इंजीनियर अकड़े हुए हैं, बदमाश हैं, तो इंजीनियर भी बदमाश है इसमें, सारे बदमाश, सब चोर हैं और सब घुसखोर हैं, बिजली बेचते हैं और बिजली जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचते हैं और उसको चोरी को छिपाने के लिए कटौती करते हैं, चोरी छिपाने के लिए कटौती। एक सेकंड, हाँ बताइए साहब, जाके कचहरी में देख लीजिए, कम से कम 500 आदमी का नाम तहसील दिवस में है, लेकिन किसी का काम नहीं होता है। अच्छा, तहसील दिवस में काम ही नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं होता है। तो होता क्या तहसील दिवस में? कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन का नाम के जाती है, एप्लीकेशन रद्दी टोकरी में फेंक दी जाती है। कुशवाहा जी, मुख्यमंत्री का एकदम मेन, हाँ जी साहब बताइए, बोलिए। सपा और भाजपा के खेल में उत्तर प्रदेश की जनता बर्बाद हो रही है, और आने वाले समय में कांग्रेस को लोगों को ले आना चाहिए। चलिए, इनका एक विचार है भाई, देखिए अगर तहसील दिवस में कोई काम नहीं हो रहा है तो ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये फेल हो रहा है, और ये आपकी जवाबदेही है, इस पे जवाब दीजिए आप। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा इस पे, ये बिल्कुल सीरियस से गलत बात है कि तहसील दिवस में काम नहीं हो रहा है, तहसील दिवस की बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है, जनता की समस्याओं का ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। कोई आदमी किसी का तहसील दिवस में काम हुआ है? एक आदमी बताए किसी का हुआ है? कोई गया है? कोई गया है? गए लला तू? कब गए लला? कब दी एप्लीकेशन? हैं? वो आदमी बोले, हाँ भाई भाई भाई, किसी ने एप्लीकेशन दिया है भाई, राजनीतिक नहीं, किसी ने एप्लीकेशन दिया है जिसका काम ना हुआ, नाम बताओ, एप्लीकेशन ले आइए भाई, बताइए। एक सेकंड साहब, एक सेकंड, एक आम आदमी के पास आइए, एक सेकंड उठाइए, उठाइए भाई, आइए आइए आइए, मैं कांग्रेस का, यह रहा यार, यह रहा, आप आगे आइए, आगे आइए, रुक जाइए भाई, एक सेकंड, अब इधर आइए, नहीं नहीं, आप एप्लीकेशन लेके आइए भाई, कोई बात नहीं, आइए आगे, अरे कोई बात नहीं, बताओ तुम। ऐसा एप्लीकेशन दिए थे पानी के लिए, हैंडपंप के लिए, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, खराब हो गया है, नया हैंडपंप हमारे पास है नहीं साहब। तो तुम नए हैंडपंप की बात कर रहे हो? हैंडपंप के लिए, कहाँ के रहने वाले हो? हम एक घरावल विधानसभा गाँव मदायन गाँव के रहने वाले हैं। तो वहाँ पूरे गाँव में नल नहीं है? नहीं है सर, पूरे गाँव में है, तो हमारा अपने घर में लगवाना चाहते हो नल? सर एक किलो डेढ़ किलोमीटर दूरी पानी लेने के लिए जाते हैं, एक डेढ़ किलोमीटर दूरी है भाई, अखिलेश जी ने 100 इस बार दिया है आप लोग को अलग अलग हैंडपंप, हाँ बताइए साहब, हमारा कहना ये है, एप्लीकेशन दिया आपने? एप्लीकेशन की बात ये कर रहे हैं, अगर आपको एप्लीकेशन की जांच करनी है तो आप तहसील में जांच करेंगे, क्योंकि समस्या है वहाँ पे कोई सुनाने जाता है। दूसरी बात कि आज इस दौर में सांसद हमारे गायब हैं, लगातार जन समस्याओं से वो भाग रहे हैं, और जिले में एक बार भी किसी भी नगर वासियों से कहीं मुलाकात नहीं, हमारे यहाँ साल भर हो गया, अभी रिसीविंग ला के दे देंगे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। भाई जी तो बहुत ही गंभीर मसला है भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक साल पहले नोट कराया था इन्होंने, बता रुके भाई, जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड, जवाब दे रहे हैं। देखिए पहले तो
केवल पार्टी वाइज पक्ष विपक्ष करके काम जिन लोगों का काम तो किसी पार्टी के आदमी तो नहीं होना भाई, जनता हो ना, जय जनता का आदमी है भाई। मैं यहाँ सबको पहचानो, इधर लो बैठे। और कौन से कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम? अरे भाई क्वेश्चन नहीं भाई, देखा इनका नहीं नहीं इनका आरोप है भाई, नहीं इनका नहीं नहीं अब अरे कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं 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 विचारधारा हो सकती है भाई आप, नहीं नहीं एक सेकंड भाई, अरे घबराइए मत भाई, कुछ जाइए। अरे भाई सांसद जी अभी गाना गा रहे थे, घबराइए मत, अभी सांसद जी सवाल पूछते हैं। मुझे बोलने का मौका दे, पानी पे मैं बता रहा हूँ, मुझे मौका तो दे पानी के लिए, मैं पानी की बता रहा हूँ, मैं पानी के मुद्दे पे बता रहा हूँ। देखा भाई विधायक जी, देखिए ये तहसील दिवस की दरखास्त इस पे हुआ क्या पहले बताइए, इतना लंबा कागज लिख दिया गया है, क्या है भाई बताइए जरा। हैंडपंप के विषय में था सर, हैंडपंप उखाड़ लिया गया नगर पालिका से, उखाड़ दिया गया जी भाई, नगर पालिका अध्यक्ष यही बैठे हुए हैं, कहाँ है, एक सेकंड बताइए साहब, इनका हैंडपंप उखाड़ लिया गया, लोग हैंडपंप लगा रहे हैं, एक मिनट। हैंडपंप उखाड़ने का विषय जो बता रहे हैं वो गलत है, हैंडपंप किसी के जमीन में आ गया था, हमारे पास जानकारी लाई गई, मैंने कहा कि इसको जो है हैंडओवर हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, कुछ दूर पे हैंडपंप लग जाएगा, उसकी सारी व्यवस्था बनी। अब किसी चीज को भैया दो महीना गर्मी से आदमी मर रहा है, आप हैंडपंप उखाड़ ले रहे हैं और अभी लगा नहीं, मशीन गई थी, पूछे गया कि नहीं गया था, मशीन गई थी भाई, नहीं गई थी, नहीं गई है, अभी बताइए, पूरे लोग चले यहाँ पर उस मोहल्ले में चले, अभी सारे सारे गुमराह कौन कर रहा है, सुनिए 2017 दूर नहीं है, जनता 2017 बस आने ही वाला है, केंद्र में सरकार है, मैं आ रहे हैं, कुशवाहा जी आ रहे हैं, कहना चाह रहा था कि जनता की समस्याओं के लिए मैं लगातार जो है प्रयास कर रहा हूँ, बल्कि जो भी आपका हैंडपंप लगेगा ये हमारा वादा है, घबराइए नहीं अभी आप। भाई विधायक जी इनका हैंडपंप कब लगेगा ये बताइए अभी आप, कागज दीजिए, कागज मिल गया ना, अभी हैंडपंप का मेरे पास आया एप्लीकेशन, क्योंकि इनका मामला नगर पालिका से संबंधित है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन आप मेरे पास दिए होते अब तक मैं लोग इसको सॉल्व कर देते, और पानी में मैं बताना चाहूंगा, पानी में बताना चाहूंगा, जैसे अभी 100 हैंडपंप आए, बात आई ना कि मैंने एप्लीकेशन दिया मेरा हैंडपंप नहीं लगा, 7,800 हैंडपंप चूंकि सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है, 7,800 एप्लीकेशन मुझे मिले हैं, मैं पूरी पानी नहीं, मैं पानी मुझे पानी बात तो सुन लीजिए भाई, आप लोग सच सुनना नहीं चाहते, केवल आरोप लगाना चाहते हैं, पेयजल सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश की इस वक्त, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, जिस जगह हम लोग बैठे हैं विधानसभा रावतगंज की सदर सीट पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 98 करोड़ की योजना दी है जिस पर उन्होंने निर्माण काम चालू करा दिया है, और 5 भागों में शहर को बांट दिया गया, 5 भागों में होगा, वो कब होगा, वो दूसरी बार जब आप विधायक बनेंगे तब हो जाएगा, ये अभी तो सुनिए, अभी अभी दिखा रहा हूँ, कागज का योजना है, सुनिए काम शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया, इन्हें पता नहीं, कोई बात आप सुनिए, अभी काम शुरू हुआ है, 6 महीने पहले काम हुआ है, और राज्य सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया, और काम शुरू हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बैठे हैं सर, यही बैठे हैं, ये बनने नहीं दे रहे, 14वें नगर पालिका बनने नहीं दे रही है भाई, नगर पालिका बनने नहीं, एक दिखा सकता हूँ भाई, क्या कह रहे हैं, नगर पालिका नहीं बनने दे रही, कालसीराम आवास में लग चुका है, पानी की टंकी बन रही है, आधे ज्यादा स्ट्रक्चर भाई, पाइपलाइन धनरौल देखिए बिछ चुका है, कई जगह में पानी देखिए, चुकी है लोग, अब मेरा समय जरा शांत रही, आप लोगों ने समय ले लिया है, देखिए हमारा ये कहना है कि सोनभद्र में जल जंगल जमीन तीनों का अस्तित्व खतरे में हो गया है, और ये केंद्र और प्रदेश की सरकारें ये दोनों जो है भटका रही है विकास से, जो है ऐसी स्थिति में इन दोनों से लोग उब चुके हैं, और कांग्रेस की ही सरकार लोग मैं खुली चुनौती देता हूँ आरोप लगाने वाले को, पेयजल के क्षेत्र में जितना मुख्यमंत्री जी ने काम किया है ये झूठा साबित कर दे, मैं इस्तीफा दे दूँ, ये चले मेरे साथ, ये झूठा साबित कर दे, मैं इस्तीफा दे दूँ, पानी पे हम लोगों ने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, पूरा काम पानी पे किया गया है, 250 करोड़ रुपए की परियोजना से पेयजल मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन ये लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं, लोगों के पास बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक। देखो माइक बार कितना दुखी है संसार, कितना दुखी है संसार, इस भ्रष्टाचार दुनिया में
इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है कि परेशान होकर अपने परिवार को नहीं चला पा रहा है। जहाँ जा रहा है वहाँ ठोकर ही मिल रहा है, भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। इसीलिए माँ से वो कहता है, हर आँख में आंसू पलकों पे है नमी, हर आँख में आंसू पलकों पे है नमी, सुख से नहीं कोई दुनिया में आदमी, सुख से नहीं कोई दुनिया में आदमी, सेवक है बड़ा इंसान भक्त है आज बड़े लाचार, कितना दुखी है संसार। वेलकम बैक, एक बार फिर से चलते हैं जनता के बीच में और जनता से लेते हैं सवाल, नेताओं से लेंगे जवाब। यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाजपा सपा सपा का गुंडा राज है, हम तो देख रहे हैं भाजपा का गुंडा राज है। नगर पालिका की वसूली चल रही है, मनमानी जगह गाड़ी रोक के ट्रैक्टर का 30 रुपया 20 रुपया ट्रैक्टर कृषि कार्य वसूली करा रहा है। बताइए आप, यहाँ पे नगर पालिका की वसूली ठेका है वो? नगर पालिका की वसूली है। चेयरमैन साहब जी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही है और जिस योजना के संचालन का काम प्रदेश सरकार की एजेंसी करती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हजारों मनरेगा कर्मी भूखों मरने के लिए विवश हैं, रोजगार सेवक उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। कर रही है, आप एक कहना चाहते हैं? एक सेकंड बैठ जाइए, बैठिए बैठिए यार, पीछे भी ध्यान दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड पीछे आते हैं। वकील साहब घबराइए मत, रुक जाए आपके पास। हाँ भाई, हाँ अभी खनन में आ रहे हैं, घबराइए रे, खनन पे बात होगी बड़ी लंबी। हाँ भाई बताओ, किसका सवाल था? भाई ओवरलोड और अवैध खनन, मुझे याद है अवैध खनन को लेके 4-5 दिन खबर हम लोगों ने सोनभद्र से चलाई है ना, कुछ लोग ट्रांसफर हुए, कुछ जुगाड़ करके यहीं रुक गए, ठीक है ना, सब कार्रवाई हो गई, खनन बंद हो गया? एक सेकंड, खनन बंद है कि नहीं है अवैध? ये मैं आपसे सुन, अवैध खनन तो बंद है, और मैं आपको कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा कार्रवाई सपा सरकार में अवैध खननकर्ताओं के ऊपर हुई, जो पहले की सरकारों में नहीं होती थी। आज वही लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं, वो लोग मैं बता, विभिन्न दलों के वो लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं जो अवैध खनन करना चाहते हैं और बिना पन्ना के गाड़ियों पास करना चाहते हैं। आज बैरियर टोल प्लाजा पे लग गया है, बिना परमिट के कोई ये लगा हुआ है। किसने लगाया? ये खनन विभाग ने लगाया है, खनन विभाग टोल प्लाजा के पास, वहाँ से, क्योंकि एक बात सड़क है, बिना परमिट के बिना रवाना के एक गाड़ी नहीं क्रॉस हो रही, तो जो लोग चाहते हैं कि अवैध हो वो इस तरह के शोर मचा रहे हैं। अच्छा, शोर मचा रहे भाई। विधायक जी का कहना है कि अवैध काम बंद है, एकदम सब वैध हो रहा है। एक सेकंड सवाल, विधायक जी जरा ये बता दें कि 22 रुपए का MM11 2200 रुपए का 7200 रुपए में क्यों मिल रहा है? ये VIP पैसा कहाँ जा रहा है इसको बता दें। 25 करोड़ रुपया VIP पैसा कौन है भाई इसका? 25 करोड़ रुपया सिंडिकेट कौन है? अब सिंडिकेट सीधे मुख्यमंत्री जी से लेके यहाँ के मंत्री और सारे लोग शामिल है, खुला दिख रहा है, कोई साबित नहीं है। विधायक जी बताइए भाई, ओवरलोडिंग अवैध खनन, भाई इस जवाब से कितने संतुष्ट हैं? मैं तो नहीं जानता, बट इतना जरूर जानता हूं कि भाई सोनभद्र को पूरे देश में अवैध खनन के लिए जाना जाता है। ये केवल सरासर आरोप है, लगातार कार्रवाई चल रही है। ओवरलोड पे भी बकायदे लखनऊ स्तर की टीम आकर के 11-11, 12-12 दिन कार्रवाई की जाती है, और जो लोग खुद करते हैं, जब उन्हें पकड़ा जाता है तो वही स्तर से हल्ला करते हैं, कोई इन्वॉल्व नहीं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री जी के भतीजों की साइडें चल रही हैं, खुद राजनाथ सिंह जी के बिल्ली मार कुंडी में, आप खनिज विभाग से खुद निकाल लीजिए किससे किसके नाम खनिज पट्टा है, सबसे ज्यादा खनिज पट्टा उन डेंजर जोनों में भारतीय जनता पार्टी की। चाहिए भाई, केंद्रीय गृह मंत्री के भतीजों की खनन चल रही है, राजनाथ सिंह जी भतीजों के नाम से पट्टे चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि जिन लोगों का लीगल पट्टा है और जो आज की डेट में अवैध खनन में अनलीगल जो प्रभावशाली लोग, विधायक लोग, सांसद जो इनके अध्यक्ष लोगों के प्रभाव में चल रहा है, आप चलिए नदी तट के अंदर पोकलैंड के साथ अवैध खनन चल रहा जा रहा, और ओवरलोड की जहां तक बात के साथ, हाँ जहाँ रही गई बात ओवरलोड की बात, सर अभी 6 महीना हुआ, 6 तक कंपनी का टोल टैक्स प्लाजा चालू है, ओवरलोड की देन है कि पूरी सड़क यहाँ से बनारस तक धस गई है। रह गई बात कि जो ट्रिपल बी मोड पे सड़क बन रही है, ट्रिपल पी मोड पे सड़क बनाई है, चेतक कंपनी ने बनाया है, जहाँ जहाँ उसने खराब काम किया उस पर कार्रवाई हो रही है, उसकी जांच के लिए आ गई है टीम, उसकी जांच उन्हें सही करना है, ठीक है। रमेश जी आप बताइए भाई, इनका कहना है कि गृह मंत्री के भतीजों के नाम पे पट्टा है, अवैध खनन करा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि भाई विधायक जी के संरक्षण में काम हो रहा है, सच कौन है ये बताइए आप मुझे? देखिए आप भी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए सत्यता ये है कि हमारा
यह बहुत स्पष्ट कहना है कि अवैध खनन जो है यहाँ बिल्कुल हो रहा है और कौन करा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। एक सरकार और यहाँ का आदमी बताइए, सरकार तो है ही है यहाँ का आदमी। इसकी सरकार में जनप्रतिनिधि भी शामिल है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। विधायक जी शामिल हैं? बिल्कुल, विधायक जी का भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सोनभद्राज सिमटता जा रहा है। और ये लोग वीआईपी टैक्स लेकर के जहां 5,000 आप नहीं नहीं आप कैसे कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाने से बैठ जाए, एक मिनट। जहां 5,000 में बालू यहां आता था, सोनभद्रवासी अपने प्रयोग में लेते थे, वहाँ आज 35,000 रुपए में यहाँ बालू गिर रही है 10 चक्के पर। ये पैसा कहाँ जा रहा है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बताइए भाई कि क्या होता है, अवैध खनन हो रहा है नहीं हो रहा है? एक मिनट, अवैध खनन यहाँ हो रहा है, कौन करा रहा है? और यहाँ वीआईपी भी लिया जा रहा है, और के ये कौन ले रहा है वीआईपी? सारे अधिकारी ले रहे हैं। कौन अधिकारी बताओ यार, खुल के बोलो जब बोल रहे हो। खान अधिकारी और सबके मिली भगत से यहाँ अवैध वसूली हो रही है, और वीआईपी के नाम पर यहाँ 2,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए लिया जा रहा है। वीआईपी शुल्क क्या होता है जरा हम समझना चाहते हैं भाई, क्या है वीआईपी? ये मैं भी नहीं जानता, ये लोग बता रहे हैं तो हम लोग सुन रहे हैं कि कुछ वीआईपी, हम वीआईपी तो जानते नहीं, भले वीआईपी आदमी है। इस देश में लगभग 60% लोग किसान, हाँ यहाँ के सोनभद्र के भी वासी किसान पे आधारित किसान है, और यहाँ लगभग लोगों का किसानों से संबंध है, तो यहाँ नीलगायों की समस्या को क्या सभी पार्टियां एक साथ मिलकर नहीं हटा सकती? एक चीज सर, एक चीज, ये जो सड़क निर्माण हो रहा है यहाँ टूल टैक्स लग रहा है, और सबसे बड़ी समस्या है कि ये सड़क मतलब रोज बनती है और रोज बिगड़ जाती है। सर हम लोग कई सालों से यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज का खुलवाने का मांग हम लोग उठा रहे हैं। सड़क नीलगाय, आप बताइए कि क्या जन प्रतिनिधि किसी पार्टी के होते हैं? जन प्रतिनिधि से मेरा ये सवाल है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने अभी तो कौन सी ऐसा कार्यक्रम लागू किया? सुरक्षा, आपने बताइए कितना नल लगवाया, आपने बताइए कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, आप मुझे बताइए। यहाँ पे लोग बैठे हुए, बहुत सारे लोग आपके पास आए, हैंडपंप मांगा होगा, वो क्या क्या? एक सेकंड बैठ जाइए भैया, सुनिए भाई पानी पे क्या कर रहे हैं, पानी पे। एक सेकंड बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ बताइए साहब, खड़े होके बताइए, चलिए बताइए भाई। अब पानी में सुनिए भाई, जनपद सोनभद्र में पानी की समस्या विकट समस्या है, ये पूरे देश की है। हम लोगों ने जनपद सोनभद्र में, मैं शुरू करता हूँ, रावर्जन मुख्यालय पे 98 करोड़ रुपए की योजना, जिससे धंधौल डैम से पानी लाने का प्रावधान है, 4 टंकियां बहुत तेजी से बन रही, पाइपलाइन बिछाया जा रहा, आप चल के देख सकते हैं। दूसरा, आदिवासी बाहुल इलाके परस ग्राम में, परस से लेके खेमपुर तक 2400 गाँव में 68 करोड़ रुपए की लागत से वो योजना शुरू कर दी गई है। जो 68 करोड़ जोड़ते रहिए भाई, और सुनिए, और जनपद में बता रहा हूँ, बिल्ली मार कुंडी ओबरा में 20 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल जल योजना बनाई जा रही है। नगर पंचायत पिपरी में 18 करोड़ रुपए की योजना से पेयजल बनाया जा रहा है। जनपद में 3,000 हैंडपंप नए लगाए गए हैं, 2,000 हैंडपंप की रिवोर कराई गई है। उसके अलावा ग्राम समूह पेयजल योजना, जिससे 6-6-4-4 गाँवों को जोड़ करके पानी पहुंचाया जाता है, दर्जनों ग्राम समूह योजना पर निर्माण कार्य चालू है, जो मैं साबित कर सकता हूं, कागज पे नहीं, मैं चुनौती देता हूं विरोध करने वालों को कि चल के मौके पे देख ले, अगर हमारी टंकी नहीं दिखेगी तो जो आप कहेंगे मानने को तैयार हूं। इनका कहना है चल के देखें, ताजा तरीन, एक मैं 5 मिनट बात सुन लीजिए, अभी पेयजल की इतनी बड़ी बात की हमारे काबिल दोस्त ने, रावर्सगंज नगर पेयजल से आज जूझ रहा है, इन्होंने रावर्सगंज नगर के पेयजल की टंकी की बात कर रहे हैं, यहीं पर भिलाई बांध है, इतने बड़े आज 3 लाख की आबादी के लिए एक छोटे से बंधे से पानी की सिंचाई, यहाँ पानी पेयजल की उपलब्धता होती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि रावर्सगंज के लिए हमने पेयजल की क्या सुविधा की, सरकार जाने का हो रही है, कागज पे नहीं, बन रही है कचहरी के पीछे, टंकी बन रही है बाईपास के पीछे, चल के देख ले, मैं दिखा दूँ, देखिए कैमरा आवाज जा रही है, देखिए और असलियत प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इधर देखिए, असलियत यह है कि पेयजल पानी कांग्रेस, ये चले मैं दिखा दूं, कांग्रेस सरकार ने विकास किया और इस बीजेपी और सपा ने सिमल बेचने का काम किया है, हमने सिमल फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री को बेचने का काम
ऐसी स्थिति में आम जनता की समस्या मनरेगा। तो ये थे रावर्सगंज के लोग और ये लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे, लेकिन क्या हालत है और शायद सारे लोग अपनी बात कहने के चक्कर में जनता की बात दूर चली आ रही है। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज रावर्सगंज, सोनभद्र।